मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को विदिशा जिले के पठारी क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जनता से किए गए वादों पर खरा नहीं उतर रही है। उन्होंने लोगों से अपने हक की लड़ाई जारी रखने की अपील की। जीतू पटवारी ओरछा धाम के दर्शन करने जा रहे थे, इसी दौरान पठारी क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में पुष्प वर्षा की। इस दौरान पटवारी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान किसानों को 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन सरकार इस वादे पर खरा नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं देती है तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। सबको राम राम साहब, क्या हाल है साहब? थोड़ा ऐसे हो जाओ यार, बचाना है। 2700 रुपए गेहूं का दाम देंगे, लेना नहीं लेना भाई वाले भैया बोल नहीं रहे। अरे 2700 का बोला, लेना नहीं लेना? बिना लड़े तो देती नहीं है, केवल वोट के लिए लेती है। पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से कई वादे किए थे, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की हक की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवार, महिला नेत्री आरती अहिरवार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान, किसान नेता तोरण सिंह दागी, प्रशांत यादव सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।